नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के इस यात्रा में आज हम जाएंगे बूढ़ा मनमेश्वर। और सुबह लगभग 6 बजे हम उठ के तैयार हो गए थे और 6:30 का वक्त हो गया। और देखिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर नीचे कितना अच्छा लग रहा है देखिए। तो आते हुए हम पूजा करेंगे, लेकिन अभी हमने सोचा कि सुबह के टाइम सीधे मंदिर चले जाएँ बूढ़ा मधमेश्वर। तो सुबह जितना जल्दी हम निकलें तो वापसी हो जाएगी, फिर 10 बजे से यहाँ पूजा शुरू हो जाती है तो फिर यहाँ आएंगे। तो ये देखिए साथ वाले कुछ लोग ऊपर देखे होंगे अब चले गए, और राणा जी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो राणा जी भूल गए अपना मोबाइल, इसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा वापस। बूढ़ा मधमेश्वर लगभग 4 किलोमीटर दूर है मधमेश्वर से, और वहाँ से व्यू आता है जो हिमालय रेंज का, बहुत ही ज़बरदस्त। और वहाँ से लगभग काफ़ी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो हमें दिखाई देती हैं, तो उसी को एक्सप्लोर करेंगे। मौसम आज काफ़ी साफ़ है और लग रहा है कि अच्छे से हमें नज़ारे मिल जाएंगे। जो मेन रास्ता है यहाँ से इधर से आ रहा है और ये जाएगा बूढ़ा मनमेश्वर। और हमारा ठहरने का वो था वहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से चलेंगे सीधे ऊपर, बिल्कुल शॉर्टकट। जैसे हम आ रहे हैं नवंबर के महीने में जब कपाट बंद होने वाले हैं उससे थोड़ा पहले, तो आपको गर्म कपड़े के साथ साथ को वुलन टोपी, मफलर हो गया और हैंड ग्लव्स ये ज़रूर रखने होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ठंडा इसलिए भी है कि पाला गिर रहा है, ठंडा इसलिए ज़्यादा है कि जो बर्फीली हवा चलती है, बिल्कुल सामने बर्फ गिरा, कल भी हमने देखा जब हम आ रहे थे बारिश हुई थी और हम नीचे रुके थे 1.5 घंटे। तो यहाँ ऊपर पता चला आने के बाद कि सामने जो चोटियाँ हैं उनमें बर्फबारी हुई, और उससे बर्फबारी होने से दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पर जो शीतलहर है वो चलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप गर्म कपड़े अगर सफिशिएंट नहीं ला रखे हो तो आप बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो ये भी ध्यान रखें। और लगभग हमने आधी से ज़्यादा चढ़ाई पूरी कर ली और थोड़ा ही बचा अब, तो देखेंगे। आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें सनराइज़ हो गया और चोटियों में देखो बर्फ़ पर जो सनरेज़ गिर रही हैं बहुत ही अच्छी सुहावनी चमक आ रही है। तो यार जैसे हम ऊपर आ रहे थे ये चोटी दिखी, और अभी ये देखिए बिल्कुल सामने जैसे हम ऊपर और जा रहे हैं तो बर्फ़ की चोटियाँ और ही साफ नज़र आ रही है, ऐसे लग बिल्कुल हमारे सामने हो। और ठंड के मारे मेरी जवान भी लड़खड़ा रही है, तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा ठंडा है। बाकी ये देखिए यार नज़ारे देखिए, मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस, बारिश का मौसम ठंडी हवाएं और तू बस, सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। ओ बनड़ी भारी, ओ बनड़ी थाने लाड पहले दर्शन आपको हो जाएंगे जैसे हम ये बाधा पार करेंगे बूढ़ा मनमेश्वर के। और मंदिर का ऊपरी भाग चमकता हुआ हमें जैसे कि संकेत दे रहा हो कि आपका लक्ष्य यहीं तक है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सही डगर पर चल रहे हो। और ये देखिए वाह, हमारे पूर्वजों ने भी कहाँ कहाँ मंदिर बनाए हैं। हमें तो चढ़ने में बहुत आफत आती है, लेकिन ये सोचो कि उन्होंने इतने बड़े बड़े शिलाखंडों से
इन मंदिरों का निर्माण किया है। चुके हैं मंदिर में और ये देखिए पीछे आदि मधमेश्वर या बूढ़ा मधमेश्वर का मंदिर है। और मंदिर के जस्ट पीछे देखो ये चौखंबा, पूरी चौखंबा की रेंज और हिमालय जो है कितना विशाल दिख रहा है यहाँ से। और बहुत ही यार मैं बता नहीं सकता, अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और ये देखिए सामने सूर्य देवता बिल्कुल अपने चरम पर, और अब थोड़ा ठंड कम हुई है। और नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए पूरा अभी भी ये देखिए पाला पड़ा हुआ, रात भर का पाला, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी ठंडी है। लेकिन यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद जो मज़ा आया ना, बहुत ही ज़बरदस्त। नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हो तो आपको यहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर नेचुरल ब्यूटी शायद ही पहाड़ में कहीं देखने को मिले। और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं और धूप इतनी अच्छी खिली भी है। अब तो ठंड बिल्कुल कम हो गई है और अब हम वापसी चलेंगे। ले ली हैं पूजा की थालियाँ और हम थोड़ी देर में पूजा जो गर्भगृह में है, जो मुख्य पूजा है, वो संपन्न होने वाली है और भगवान श्री मधमेश्वर जी को भोग लगने वाला है। और उसके बाद सभी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए मंदिर खोला जाएगा और उसके बाद सभी श्रद्धालु अपनी अपनी पूजा करवा सकते हैं। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, अभी समय हो रहा है 9:45 और 10-15 मिनट और वेट करके फिर हम जाएंगे मंदिर। शंकर महादेव दर्शन दे, शंकर महादेव महादेव तिहारी चरण।
शंकर महादेव दर्शन देवो शंकर महादेव I know.